ये है एक अंडा और ये भी एक अंडा ही है, बट तुम्हें पता है इनमें डिफरेंस क्या है? इनका साइज। जस्ट किडिंग गाइस, एंडर ड्रैगन का एक जिसके पास होता है उसको सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेयर माना जाता है उस पार्टिकुलर एसएमपी के अंदर, एंड ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा अनसेफ प्लेयर भी होता है उस एसएमपी का। एंडर ड्रैगन का एक पाना किसी पार्टिकुलर एसएमपी में बहुत हार्ड है, इसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा एंड वार का, एंड मुझे वेट किसी भी चीज का करना एकदम नहीं पसंद है। सो आज मैं इस एसएमपी में ड्रैगन को टाइम से पहले मार के उसका एग लेने वाला हूँ, एंड ऐसा करना मेरे लिए बहुत रिस्की है क्योंकि मुझे बैन भी कर दिया जाएगा अगर ओनर को पता चला ये सब। बट मुझे इन सब बातों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि इस एसएमपी के अंदर ड्रैगन को मारना इम्पॉसिबल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें आगे पता चल जाएगा, वीडियो को पूरा देखना। सो जैसे मैं एसएमपी को ज्वाइन करता हूँ तो मैं एसएमपी की स्पॉन पे स्पॉन होता हूँ, एंड माइनक्राफ्ट की परंपरा के अनुसार मैं पहले जाता हूँ वुड चॉप करता हूँ एंड उनके टूल्स रेडी कर लेता हूँ, देन मैं उन्हीं के टूल्स से स्टोन माइन करता हूँ एंड स्टोन के टूल्स में अपग्रेड हो जाता हूँ। बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं तो इस एसएमपी के अंदर मैं पहली बार खेल रहा हूं एंड इसीलिए मेरा कुछ ऐसा हाल हुआ है। सो स्टोन के टूल्स बनाने के बाद मैं भाई सिंपल सा काम था मेरा आयरन में अपग्रेड होने का, तो वेल मैं आयरन में भी अपग्रेड हो जाता हूं, एंड आयरन में अपग्रेड होने के बाद एब्सोल्युटली तुम लोगों को पता है भाई डायमंड चाहिए होता है, तो मैं फटाक से इनेबल करता हूं एक्सरे को एंड डायमंड माइनिंग पे निकल जाता हूं। एंड हां गाइस, तुम्हें पता ही नहीं होगा बट मैं बता देता हूं कि इसमें भाई डायमंड बैन, बट मैं फिर भी माइन कर रहा था क्योंकि मुझे काम आएगा। एंड दिखावे के लिए मैंने थोड़े और आयरन कलेक्ट किए थे उनका एंड आर्मर बना लिया, क्योंकि भाई अगर बाय चांस कोई देख लेता है मेरे को तो डायमंड में देखेगा तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो दिखावे के लिए मैंने आयरन थोड़े कलेक्ट किए थे, एंड फूड का इंतजाम मेरे को मोब्स मार के हो गया था इजी पीजी। एंड अब बारी थी मेरे को भाई एक विलेज ढूंढने की, तो मैं आराम से भाई निकल जाता हूँ विलेज ढूंढने की तरफ, एंड मेरे को थोड़े टाइम के बाद एक सवाना विलेज मिल जाता है स्पॉन से थोड़ी दूर पे, एंड जैसे मैं विलेज में पहुंचता हूँ तो वहां से हमारी स्टार्ट हो जाती है एंडर ड्रैगन को मारने के लिए सामान जुटाने की तैयारी भाई। बट जैसे स्टार्टिंग होती है भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, मेरे को नीदर का स्पॉन एकदम घटिया स्पॉन मिलता है, एंड मेरे को भाई फोर्ट्रेस ढूंढने के चक्कर में भाई इधर इधर बहुत भटकना पड़ता है, एंड एट द एंड मैं मर जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि बिना किसी रेगुलर प्लेयर के ये पॉसिबल नहीं है, देन मैं लॉगिक्राफ्ट हेल्पर को बुला लेता हूँ। इस साइड तो हम आए भी नहीं आज तक। कहाँ पर हो? सर्वर में। कहाँ पर हैं आप? तेरे ही पास आ रहे हैं, हम बहुत दूर हैं, -690 155 पे हैं। नदी है बार बीच में नदी आ रहा है मेरे। अरे यार मेरा ये पता, अच्छा काम करने लगा, मेरा माउस खराब हो गया यार, पता नहीं क्यों ग्लिच हो जाता है। फिर उससे मिलने के बाद ये डिसाइड होता है कि पोर्टल के लिए हमें लावा ढूंढना पड़ेगा, और हम लोग लावा ढूंढने लगते हैं। फिर मेरे को लावा थोड़ी टाइम बाद मिल जाता है, फिर हम दोनों लोग मिल के पोर्टल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड तुम लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ये जाके मत पूछना कि भाई आप तो पहले ही नीदर के अंदर गए थे तो उसी पोर्टल से वापस चला जाते, तो ये मत पूछना, ये चीज़ें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती हैं। जैसे तैसे पोर्टल फिनिश करने के बाद हम लोग जब नीदर के अंदर जाते हैं तो हमें फिर से वही स्पॉन मिलता है। बोला ना इधर बहुत बेकार स्पॉन आता है, ये देखो। इसमें जाओगे? इसमें नहीं जा सकते हम, अब इधर से निकल। अरे बस हम लोग को 100 ब्लॉक दूर जाना है, स्पॉन पे चल जाएंगे, वहां पे भी पोर्टल है स्पॉन का। चलो आ जाओ 137 127 स्पॉन पे चलते हैं। अरे इसी चलो जॉइन, चलो नेदर से, नेदर ही चलो। अच्छा चल आ जाओ, मैं आ रहा हूं। चलते हो? 127 100 कुछ ही तो है, कुछ ही दूर तो है, बस अच्छा है चलना होगा। रुक जा कुछ ब्लॉक निकल, इधर ही जाना है। हां इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, इस साइड। कहां हो? यहीं पे हूं। आगे आओ इधर भाई, तू ऐसे भाग रहा है जैसे तेरे नानी का घर हो। हां मस्त जगह तो है, घंटा मस्त जगह है, पार्कौर करना सिखा देगा ये। अलावा जहाँ भी लिखे ना बंद करते जाओ, जाओ आगे जाओ। मैं हमको कैसे जाऊँ, कहाँ जाना है? मरवाएगा तू मुझे, कहाँ पर गया तू? चल जा आगे, मेरे पास ब्लॉक्स कम है, मैं तोड़ लेता हूँ कुछ ब्लॉक्स। अरे इतना डर मत भाई, मैं पार्कौर स्पेशलिस्ट हूँ बट इधर नहीं दिखाना चाहता अपना स्किल। एंड उसकी बात मैं मान के
उसके साथ चलने लगता हूँ एंड जैसे तैसे अपन लोग पहुँच जाते हैं स्पॉन पे। एंड जैसे हम लोग स्पॉन पे पहुँचते तो वहाँ पे हमारी थोड़ी लड़ाई हो जाती है घास से एंड हेल्पर एक डम वे चूज करता है मरने का, जोम्बी फाइट पिगलिन के बच्चे को मार के। क्यों इसको मारेगा? इसको मार। अरे मेरे बीच सारा सीना पड़ जाएगा। अरे भाई भाग इधर से निकल जल्दी निकल, खाना नहीं है अपने पास। चल निकल जा मार। खाइए खाइए आई इधर है जगह है। आ जा। अरे इतना को तो मार लेंगे लेकिन पूरा सेना मार। आ जा नहीं मार। अरे यार ये अरे बच गया। आजा। ओह माय गॉड भाई दिख नहीं रहा यार कुछ, सीरियसली मैं मर जाऊंगा क्या ब्रो? ये लोग मेरे को मार देंगे। ससुरा दिमाग खराब हो गया भाई, तू इधर आ जा मेरे पास। तेरे पास पूरी शायद फौज पड़ी है। मेरे पास देखो ना सारा, मेरे पास सारा पूरा सब जगह से। अगर मैं उसको मार देता तो मैं भी फंसता, मैं तो मर ही जाता भाई। तेरे पीछे नहीं पड़ा, सारा मेरे पीछे पड़ा है। तू है कहाँ पर ये बता। मत मारना, तुम मत मार, हम मार के आ रहे हैं। बट जैसे तैसे हम लोग बच जाते हैं एंड उनसे लड़ाई करते करते हम लोग अपने फोर्ट्रेस के पास पहुंच जाते हैं एंड हम लोग फोर्ट्रेस को देख लेते हैं। मेरे को फोर्ट्रेस फाइनली फोर्ट्रेस। ये सुन मैं लावा ले लेता हूँ, इन सबको जला दूँ, लेकिन ये लोग जलते भी तो नहीं है। आजा फोर्ट्रेस दिख गया सामने, फोर्ट्रेस सामने है, हमको दिख चुका है। हाँ चला जा, जा पीछे पड़ा है अभी। चल 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 चला जा। अरे यार थोड़ा लोग को मार लेते हैं, इधर जाना है। ब्लॉक कलेक्ट करके आ रहे हैं यहाँ पे, बस बोट ही कलेक्ट करी। तेरे को एक काम करना पड़ेगा, तेरे को ब्लेज मारना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सील नहीं है। यहाँ पर हो चुका है क्या, रेड हो चुका है क्या एक बार? देख किसी ने ब्लॉक लगाया यहाँ पर। हम ही तो आए हैं, अभी ने बोले कि यहाँ पे है। चलो ब्लेज स्पॉनर के पास, हमको पता है। अंधेरा दिख रहा है भाई, एक सेकंड। फिर वहाँ के ब्लेड्स को मार के अपन लोग कलेक्ट कर लेते हैं ब्लेज रॉड। बट मैं एक डम हरकत करता हूँ एंड मैं नीदर के अंदर फॉल डैमेज से मर जाता हूँ गिर के। एंड फिर हेल्पर सारा सामान कलेक्ट करके मेरा लाता है एंड कुछ सामान फेंक भी देता है। फिर हम लोग वापस जाते हैं नीदर के अंदर, वही ग्रीन वाला बॉयम ढूंढते हैं एंड वहाँ पे हम लोग लड़ाई करते हैं एंडरमैन को, क्योंकि हमें भाई एंडर पल्स चाहिए होते हैं। तो उनसे लड़ाई करके हम लोग एंडर पल कलेक्ट करते हैं, फिर वापस आते हैं एंड वहाँ से अपन लोग बना लेते हैं अपना एंडर आई। एंड एंडर आई बनाने के बाद बारी थी स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने की, तो हम स्टार्ट कर देते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना। फाइनली हमें वो मिल जाता है। पास है बोर्ड तुम्हारे पास है? इधर ही है सर। तुम्हारे पास बोर्ड है? मेरे पास हाँ यहाँ पर है। फेंक कर देख। अरे कहाँ गया? पीछे गया। अरे इधर ही। अरे फूटा फूट गया। हाँ
इधर फिर इधर ही ऐसा नीचे ही है, क्या करते हैं? आगे थोड़ा जाओ, थोड़ा इधर नहीं, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, वो सिप पर था ना, उस साइड होगा। चलो चलो, अरे बैठ ना, बैठ, चलो चलो चलो, यहाँ पे गुफा है ना, इसी में होगा। हाँ आ जा, देखते हैं, मरे ना बस। तेरे पास डोर है? माइन करो। चलो डबल बना के आओ। वाह पाजी वाह, तुम इधर में जाओ, चला जा। आई थिंक मिल जाना चाहिए हमें, यही है, यही 100% सही। घास तेरी, दूसरा यही तो नहीं पसंद है। और नीचे चलते हैं, रुक जा रुक जा, एक मिनट देखने दे, रुक रुक रुक, अरे उधर देख कुछ है, वही है। अरे मिल गया मिल गया मिल गया, इधर आओ हेल्पर, इधर आओ आओ, इधर तोड़ के इधर आओ। अरे हाँ यही यही तो है, यही तो है, आ जाओ आ जाओ। अरे यहीं पे डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है, डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हाँ डायरेक्ट डायरेक्ट। ओ भाई क्या है, रुक जा रुक जा, मैं कुछ कर रहा हूँ। अंकित नहीं जल्दी आओ, एक इस तरह का एडवांसमेंट लो। अरे हाँ ना आ गया अंकित, आ गया तो ये एडवांस। ओ भाई ओ भाई, दो लगा हुए, गाइस रात में खेलना होता है। ओ भाई अपन ने वो कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो, ओनर ना देख सकते। यस गाइस, आप लोग जैसा देख सकते हैं, हम लोगों ने कर दिया भाई पोर्टल को एक्टिवेट, एंड अभी का टाइम है एंडर ड्रैगन को ख़त्म करने का, एंड देखते हैं कि अपन एंडर ड्रैगन को मार पाएंगे। अजय हेल्पर, अरे ओनर से बचने के लिए रात में खेलना पड़ रहा है, देख रहे हो गाइस, देख ही सकते हो यार। चलो रिस्पॉन सेट कर देते हैं, एक सुन सुन सुन, रिस्पॉन इधर ही सेट कर लेते हैं, इधर अपन ने बेड नहीं लाया। अरे तो मेरे बेड पे सेट कर लेना। हाँ तब सही है, हो गई, चलो तो चले गाइस, चलो गाइस बीट द ड्रैगन, लेट्स गो। वाओ नाइस स्पॉन, यस चलो, मैंने कुछ ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए। ससुरा अगर कैसे तो भी वो नहीं है, क्या कहते हो, क्या ओनर। अब एंड में आके हम सारे क्रिस्टल्स को फोड़ देते हैं, बट एंडर ड्रैगन अब नीचे आ ही नहीं रहा था, एंड हमारे ऊपर अटैक भी नहीं कर रहा था। फिर हमें रियलाइज होता है कि हमने एक इन्फिनिटी वाली बो ना बना के बहुत बड़ी, मतलब एकदम ह्यूज मिस्टेक की है। ये बैठ क्यों नहीं रहा, इसको कहीं सच में मिल रहा है क्या, कहाँ है, लाइफ बढ़ रहा है, घूम तो रहा है वो। अरे वो बैठ ही नहीं रहा यार, बैठता था फिर। बो से मारने का ट्राई। अरे बैठे तब ना इसको मारेंगे हम, तब बैठे। अरे बैठ ही नहीं रहा यार ये ड्रैगन, इसमें कुछ ग्लीच व्लीच हो गया है क्या। बट इसका एक सोल्यूशन था कि किसी एक को मरना पड़ेगा एंड बाहर जाके वो बनाए इन्फिनिटी वाली, बट ये बहुत टाइम कंज्यूम करता, तो हमने डिसाइड किया कि ये जो चीज़ है भाई इसको अब नेक्स्ट दिन देखते हैं, एंड लीप कर दिया सर्वर को। फिर नेक्स्ट दिन मेरे को हेल्पर बताता है कि सर्वर फिक्स हो गया है, आ जाओ फिर हम उधर जाते हैं, एंड सच्ची में भाई सब फिक्स रहता है, एंड हमारी स्टार्ट हो जाती है भाई फाइट एंडर ड्रैगन से। बैठा है हाँ चलो आ जाओ, मार 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 मार, अरे भाई पिंग कुछ ज्यादा ही हाई चल रहा है, मारो हेल्पर, आ जा मार, अरे ससुरा ये फेंक दिया, दिमाग खराब, मार ना भाई, घुसना इंटरपल यूज करके, घुसना अंदर घुस के मार,
रिकॉर्डिंग ऑन है ना तेरे? बाल बाल बचा, थोड़ा सा बचा, बाल बाल बचा, बाल 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 बचा। दो दिन के बाद सर्वर का डिफिकल्टी हाई होने के बाद यहाँ पे ड्रैगन बैठ रहा है तेरे पीछे, एंडरमैन मार रहा है। मेरे पीछे एंडरमैन? यस, उसी को मार रहे हैं, तू मरेगा। आने दे, चल चल चल, उस साइड तुम रहो, हम इस साइड। हाँ, साइड साइड में ही है, साइड साइड में आराम से निपटा देंगे, उतना हार्ड भी नहीं है, डोंट वरी। कभी इधर से आ रहा है, कभी उधर, उसको ये जब उड़ाता है ना तभी हार्ड लगता है, तब दिमाग काम नहीं करता है भाई। डिफिकल्टी हार्ड कर दिया ना ओनर ने बिना रीजन के। ये मेरे को क्यों मार रहे हैं भाई? क्या इनका आँख में देखोगे तो क्या तुमको दीपावली का दिया देगा, तोहफा देने वाला है। सोच रहा था आना, अरे आने दो, हम मार देंगे, देखने दो इसको, देखने दो कहाँ पर है। अरे भाग जा रहा है, ड्रैगन बैठ गया, ड्रैगन बैठ गया, जल्दी आ, मार उधर से, मार 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 मार। अगर मैंने इसको नहीं मारा ना, ये मुझे मार देगा। ओ भाई 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 भाई, हमको लगा नहीं थी। मार मार मार, मरने वाला, मार मार, मरने वाला है, मरने वाला है, मरने वाला है, बहुत डैमेज दिया मैंने इसको, मर जाएगा, मर जाएगा, डोंट वरी, सॉरी ब्रो। रुक जा रुक जा रुक जा, रुक, मर गया मर गया, तूने एडवांसमेंट दे दिया बहुत। अरे हम फंसेंगे भाई, हम बैन होने वाले, बहुत तू ही बैन होगा अगर कुछ हुआ तो। आइडिया तो तेरा सब है ब्रो। इतना कितना लेवल हुआ तेरा, कितना लेवल हुआ? मेरा भी एक भी लेवल नहीं हुआ है, सारा सारा तूने ले लिया है भाई। सब एक यहाँ है, एक यहाँ है, रुक रुक जा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसको छूना पड़ता है, ले लिया जाए, इसको छूना पड़ता है, इधर ही कहीं पर आया। यहाँ 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 यहाँ, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई, दोनों को एडवांसमेंट ले लियो, रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसे नहीं। अरे इसका कुछ मिलता है क्या, इसका पावर वावर कुछ है क्या इसमें? लाइफ स्टील में तो होती है पावर, हाँ थोड़ा वो मिलता है, तोड़ दो इसको। मिल गई मिल गई मिल गई मिल गया मुझे, ये ब्रो लेट्स गो। तूने ड्रैगन को मारा, मैंने ड्रैगन एग उठा लिया। अरे मेरे को भी देना, डायन नहीं दे, ड्रैगन एग ले, तू भी एडवांसमेंट ले। ओके नाइस, कुछ पावर वार खत्म करना है, मेरा एक भी एक्सपी नहीं बढ़ा तेरे चक्कर में, तूने सब ले लिया। अरे हम मारे ना ड्रैगन को तो वही मेरे को एक्सपी मिल गई, एक दे डिस्ट्रॉय करूं। फाइनली हम ड्रैगन को मार के उसका एक ले लेते हैं, एंड नाउ मैं हूँ इस एसएमपी का सबसे पावरफुल प्लेयर।